इस आईपीएल में सीएसके अपना दमखम नहीं दिखा पाई थी और प्लेऑफ से बाहर हो गई थी। इसके बाद एमएस धोनी अपने घर इंडिया वापस लौट गए थे। आज 19 नवंबर को एमएस धोनी की वाइफ साक्षी धोनी का 32वां जन्मदिन है और साक्षी धोनी ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ झलकें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एमएस धोनी और साक्षी धोनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दुबई पहुंचे हैं और उन्होंने अपना ये बर्थडे दोस्त कबीर बहिया के साथ सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन में दो बड़ी केक फोटो को और खूबसूरत बना रही हैं। इसमें एक केक कबीर बहिया की थी जिसमें केक के ऊपर 21 लिखा हुआ है और दूसरी केक पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। इस ग्रुप पोस्ट में साक्षी धोनी के साथ एमएस धोनी बेटी जीवा को अपने हाथों में लिए खड़े हुए थे, जहां जीवा क्यूट सी स्माइल देते हुए कैमरे को पोज दे रही हैं। एमएस धोनी हमेशा की तरह सिंपल लुक में ब्लैक टी शर्ट में नजर आए। वहां उनकी वाइफ और बर्थडे गर्ल साक्षी धोनी ग्लिटर आउटफिट में दिखाई दी। साक्षी धोनी ने अपने सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन की कुछ और भी फोटो शेयर की हैं, जिसमें वो उनके दोस्त कबीर को केक खिलाती हुई नजर आई और पीछे गोल्डन सिल्वर और ब्लैक बलून्स पार्टी की थीम को और भी गॉर्जियस बना रहे हैं। साक्षी धोनी ने अपनी बेटी जीवा के साथ की कबीर की कुछ और भी फोटोज जीवा के इंस्टाग्राम पे शेयर की हैं, जहां दोनों बीच पे सनसेट को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। साक्षी धोनी ने हाल ही में अपने मुंबई के घर की कुछ क्लिप्स शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने सी फेसिंग व्यू को वीडियो के जरिए शेयर किया है। एमएस धोनी ने हाल ही में अगस्त में अपने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इससे एमएस धोनी के फैंस काफी दुखी थे और उनको और भी आगे खेलते हुए देखना चाहते थे। हम टीवी अपडेट की ओर से साक्षी धोनी को बधाई देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साक्षी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पंडित जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। बार बार एक बार बार नहीं कर रहा, हो गया। अगर आप ऑनलाइन खरीदी करते हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करके जरूर शॉपिंग कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।